कल्पनाहीन व्यक्ति कभी भी मैं मान के चलता हूं कि आनंद की अनुभूति नहीं कर सकता। वह पीता है, मौज उड़ाता है, उसके बाद में जीवन का अंत हो जाता है। लेकिन यदि कल्पना हमारे मन के अंदर हो, विजन हो, दृष्टि हो कि हम आए हैं राजनीति में तो किस कारण से आए हैं, हमें कुछ करना है, प्यास बड़ी जीवन थोड़ा, ऐसा लगता है कि ये काम भी हो जाए, ये काम भी हो जाए, हमारे यहाँ फैक्ट्री भी लग जाए, रोजगार भी हो जाए, अधोसंरचना के सारे काम हो जाए, लगभग 90% हो भी चुके हैं, लेकिन लगातार विवेक में, बुद्धि में या लोगों के बीच में जाने से जो ज्ञान वृद्धि होती हो, जो आवश्यकताओं की जानकारी होती है, उसके हिसाब से आवश्यकताओं को पूरा करना अपने आप में बहुत कठिन काम होता है। सरकारों के बजट जो हैं सिकुड़ रहे, कोरोना बहुत निर्माण हुए, जैसे अभी सभी बताया कि स्विमिंग पूल कभी कल्पना नहीं करते थे, आरईएस के बारे में यही धारणा थी कि आरईएस तो ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल इंजीनियरिंग सर्विस में, तो ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, तो वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि आजकल जो स्मार्ट सिटी की जो कंसेप्ट चल रहा है, कल्पना चल रहा था होगा भारत सरकार से, और इसलिए इस सबके बिना, बगैर स्मार्ट सिटी के और बहुत कम बजट होने के बाद अपने कस्बे के लिए, बस्ती के लिए, अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए स्मार्ट बना लेना, मैं मान के चलता हूं कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब नाम तो कई का पड़ जाता है, स्मार्ट सिटी फलां 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 फलां, 5 साल हो रहे लगभग स्मार्ट सिटी की कल्पना के लिए, लेकिन मैं अभी नहीं देख पा रहा हूं कि बहुत ज्यादा काम उसमें हुआ। तो इसके लिए एक इच्छा शक्ति होना बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, और चाहे वो स्टेडियम हो, चाहे कॉलेज बिल्डिंग हो, चाहे